नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित को अपना चेहरा बनाया है। शीला जी हमारे साथ में हैं। शीला मैम, चेहरा बनी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या मुख्य मुद्दा आपका रहने वाला है, क्या दिल्ली को कहने वाली हैं, एक बार फिर से आप इलेक्शन के मैदान में कूदी हैं? देखिए, यहाँ से 1998 या ऐसे ही कुछ, तब मैं चुनाव यहाँ से लड़ी थी पहली दफ़ा दिल्ली में। तो मेरे लिए एक इंट्रोडक्शन टू दिल्ली, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू दिल्ली, इसको मैं मानती हूँ। इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ से टिकट दिया गया। अब वैसे जाती रहती हूँ, लेकिन अब जाके देखूँगी कि क्या करने की आवश्यकता है। वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन और की आवश्यकता है। और यदि मैं जीती तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगी कि लोगों का जीवन ज़्यादा सुरक्षित भी हो जाए और ज़्यादा अच्छा भी हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिले, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। मैम, सबसे पिछड़ा इलाका दिल्ली का उसे माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को। सिग्नेचर ब्रिज बना, आपके कार्यकाल में पास हुआ, उसके बाद में थोड़ी सी वहाँ पर विकास और डेवलपमेंट की कह सकते हैं एक तस्वीर जो है खुल करके सामने आ पाई है। सबसे पिछड़ा इलाका, तो सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ भी आपके सामने होंगी वहाँ के लिए? जी हाँ, चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन चुनौतियाँ जब होती है ना पॉलिटिक्स में तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक चैलेंज बन जाती है। और चैलेंज जो होता है वो हर एक को अच्छा लगता है, उसमें काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। मैम, मनोज तिवारी, दिलीप पांडे चैलेंज हैं। आज मनोज तिवारी गए हैं सपना चौधरी के साथ में, अपना रोड शो किया है उन्होंने, नामांकन दाखिल किया है। अच्छा है, अब वो हैं, उनके अगेंस्ट लड़ूंगी। मैं कांग्रेस में हूँ, वो बीजेपी में है, तो देखेंगे क्या होता है। टक्कर में है, कौन ज़्यादा टक्कर में है, बीजेपी या कांग्रेस? आपको क्या लगता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन ज़्यादा टक्कर में आपके लिए रहेगा? हम तो अपने आप को समझते हैं कि हम जो भी टक्कर में हो और जैसी भी टक्कर होगी उसको हम सामना करेंगे और जीत कराएंगे। मैम, एक आखिरी सवाल है, बतौर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, चूँकि दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मैम जो नामों का घोषणा की गई है, उन नामों को लेकर के आप कितनी कन्विंस हैं? क्या वो सभी नाम सहमत हैं आप उन नामों पर, क्या वो कांग्रेस के बिल्कुल सहमत हूँ, उन सब नामों से सहमत हूँ। और सब हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, सब ने सोच समझ के लिया, और ईश्वर ज़रूर हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस जीतेगी। शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित, साफ तौर पर ये कहती हुई कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बेशक कांग्रेस ने इनको अपना चेहरा बनाया है और इनको पूरी तरह उम्मीद है कि चुनौतियां बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन चुनौतियां लेने में शीला दीक्षित को आनंद आता है। पहले भी एक बार वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं।